ओम शांति। मोड़ी तारीख को मार्च 17। मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है, उन्हें अपना सिंहासन नहीं। प्रश्न, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। गीते, छोड़ भी दे आकाश से मासन। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा ने आकाश से मासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है, वो छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। ये आकाश तत्व तो है जीवात्माओं का सिंहासन, आत्माओं का सिंहासन है वो महातत्व जहाँ तुम आत्माएं बिगर शरीर रहते थे। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहां रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान है, जैसे स्थान कितना छोटा है वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल है। अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है, बाप कहते हैं तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो, मुझे भी जरूर शरीर चाहिए, मुझे बुलाते ही है पुरानी दुनिया में। गीत है ना, दूर देश का रहने वाला, तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वहाँ है तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना करते कराते हैं। बाप खुद स्वर्ग में नहीं आते, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं, वहां तो दुख सुख से न्यारे है ना। तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया बहन भाई हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो, पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, सभी का बाबा एक है, तो सभी बच्चे हो गए ना। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर सत्युग है दैवी फिर सत्युग में दैवी संतान होंगे। ये चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो फिर कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं, सत्युग में कुदृष्टि होती नहीं, कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को शिवा एक बाप के और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए, सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिवाबा दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज्य चला है जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों है, ये भी कोई नहीं जानते, शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाई पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं, वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं। समझते कुछ भी नहीं, कहते भी हैं अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे तो इसका मतलब रावण राज्य है ना। जो बच्चे इस रावण राज्य में कामचिता पर बैठ जल गए थे, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं।
जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने से कितने कंगाल बन गए थे। अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बल तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से पैरिस्टर आदि बन जाते हैं, वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। बिलनी की बात भी शास्त्रों में है ना। तुम बच्चे जानते हो जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। ये है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। बरोबर हम ही सो पूजते फिर सो पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय ये सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़े ही करेंगे, कहेंगे इन पर बीके ने जादू लगाया है। उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उनको उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं फिर गुम हो जाते हैं। यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बाप कहते हैं अपने ऊपर भी रहम दिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना है कैसे है वो भी समझाते रहते हैं। बाप को याद कर पतित से पावन बनना है, फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर ने हमको एडॉप्ट किया है। अब मनुष्य से देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे। अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यहाँ है टॉकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, मूल वतन में है साइलेंस। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का, जैसे गोस्ट की, गोस्ट को छाया का शरीर होता है ना। आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है, उनको गोस्ट कहा जाता है। उनको इन आंखों से भी देख सकते हैं। ये फिर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। ये सब बातें बहुत समझने की है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुमको ज्ञान है। चलते फिरते बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। हम असल मूल वतन के रहवासी है। अभी हम वहां जाएंगे वया सूक्ष्म वतन। बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं। पहले स्थूल फिर पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अभी ये है संगम युग। इनको ईश्वरीय युग भी कहेंगे, उनको दैवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कुदृष्टि जाती है फिर ऊंच पद पा ना सके। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया होना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। तुम हमस ईश्वरीय संतान हो,
तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी। तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहां वो रावण की आसुरी संतान, कहां तुम ईश्वरीय संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं है ये अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वो दृष्टि बैठे, तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है, लाइन क्लियर चाहिए। देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं हो, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही ऊंच पद पाएंगे। अभी वो अवस्था थोड़े ही है। सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं है। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का संन्यास कर बैठे हैं। बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही जानते हो अब वापस जाना है। शिव भगवान वाच भी है, ओ पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सिखाते हो, बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, जानते हो अब वापस जाना है। ये पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, ये सब है तुम्हारे इस समय के। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वो तो ये धंधा कर ना सके। तुम जानते हो ये कब्रिस्तान है, अब फिर फरिस्तान बनना है। तुम्हारे लिए सब दिन लकी है। तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, ये रसम चली आती है। तुमको अभी वृक्षपति बढ़ाते हैं। यह बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। ये है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं, अभी है बेहद की दशा। तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्हों की तो डायनेस्टी होगी ना, जरूर बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डायनेस्टी का राज्य चला है, ये बातें भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चों को ये भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं। माँ बाप बच्चे का पाव धोकर राज तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। ये साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नून है। इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो, सदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुकोम शावली, सदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में सदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, ये तो कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है, तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनना चाहिए, परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। आखिर ये भी समझेंगे कि योग एक पाप से लगाना है। जो सुनेंगे वो फिर अपने धर्म में आकर
मूंज पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। काला के लिए मुख्य सार, अपने ऊपर आप ही रहम करना है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी न आए। सेकंड पॉइंट, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है, इसी अभ्यास से अवस्था एकरस बनानी है। वरदान, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा रुद्धि करने वाले सर्व के बदायूं के पात्र भवा। संगम युग बदायूं से ही रुद्धि पाने का युग है। बाप की परिवार की बदायूं से ही आप बच्चे पल रहे हो। बदायूं से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। ये पालना भी वंडरफुल है, तो आप बच्चे भी बड़ी दिल से रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कहा बधाइया देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो, तब बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन, अपना सरल स्वभाव बना लेना, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर सोजरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कई ले चल, चित्त चैन जहां पावे। यहां है बेचैन दुनिया, जहां चैन नहीं है। मुक्ति में न है चैन, न है बेचैन। सत्युग देता है चैन की दुनिया, जिस सुखदाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वो अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहां न अशुद्ध संस्कार होते ना पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है, तो ये भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपना इस सर्वशक्तिमान परमात्म द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।